कि हम ये बातें आगे बता सके। पहले भी डेमोक्रेसी में ये होता था, इतने लेवल तक होता था, पॉलिसी चेंज कर सकता है कि नहीं, प्रोटेस्ट नया टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है कि नहीं है, इन्फॉर्मेशन इतना रेडिली अवेलेबल हो गया, मगर लोगों को जो ट्रूथ है और जो फॉल्स है वो करना नहीं आता है अभी तक। वो विजुअल्स इंटरनेशनली घूमे, आप सोचो कि पूरा देश ही रुक गया, इलीगल है या लीगल है, मगर हमें माइग्रेशन यहाँ नहीं चाहिए। फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हम एलियनेट फील कर रहे हैं, टू टेक ऑन द टैक्मोडो बिकॉज देव लॉस्ट दिस टेरिटरी। कई लोगों को एग्जीक्यूट किया है कहते हुए कि आपने जाने दिया। आरसा इज अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, सऊदी अरेबिया have asked the Rohingya communities to leave. पाए गए हैं सीधा यूपी जाते हुए, जो एंटी नेशनल मदरसाज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली द मोस्ट रेप्रिहेंसिबल थिंग दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। जो हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है रमी देसाई जी के साथ में। रमी जी वो शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी समझना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेस्टर्न और चाइना के भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। इस वजह से इस देश में और इस देश के बाहर बैठे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करके चाइना और वेस्ट के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। लेकिन अगर आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समझना है, तो रमी देसाई जी बेस्ट पर्सन। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने रमी देसाई जी के साथ में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डिस्कस नहीं किया, बल्कि दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन्हें भी डिस्कस किया है, और रोहिंग्या मुस्लिम्स, म्यांमार, ये जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं इन्हें भी टच करने की कोशिश करी है। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है, और आप लोगों को बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। इस वजह से हेडफोन लगाइए, इत्मीनान से बैठिए और एपिसोड को इंजॉय करिए। नमस्ते रमी जी, द ज्ञान जरा हटके शो में एक बार फिर से आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मेरे को वापस आने में इतनी खुशी हो रही है क्योंकि वेदर बेटर है, इतनी ठंडी नहीं है जितनी लास्ट टाइम थी। आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ऑडियंस की भी भयंकर डिमांड थी, पिछली बार वाला हमारा जो एपिसोड था नॉर्थ ईस्ट पे, ऑडियंस ने काफी पसंद किया, और लोगों को सबसे ज्यादा मतलब मेरे को पर्सनली खुशी ये हुई कि नॉर्थ ईस्ट पे मेरा पहला पॉडकास्ट करने का जो मकसद था वो कामयाब रहा। वेल, मेरे को इतनी खुशी हुई कमेंट्स देख के, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट्स नॉन नॉर्थ ईस्टर्नर्स के थे, तो उनका जो इंटरेस्ट बना है इसमें वो देख के मेरे को ऐसा लगा दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो आई थिंक दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि हम डीपर कैसे इसे समझ सकते हैं, इसकी न्यूआंसेस कैसे समझ सकते हैं, खाली मणिपुर नहीं दूसरे भी एरियाज कैसे हम समझ सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि इतने सालों किसी ने बात नहीं किया, किसी ने उसके बारे में सोशली भी बात नहीं होती थी, न्यूज़ मीडिया तो आप छोड़ ही दो, मगर आई थिंक कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल गए हैं, यंगर पीपल आर सो इन्वेस्टेड, एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू था, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे 15-20 सेकंड के स्निपेट्स देख के कोई ओपिनियन बना रहा था। वही हम लोगों का मकसद था कि हम लोग एक ब्रॉडर एरिया कवर करके एक बेस लाइन तैयार कर दें ऑडियंस के लिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है। आई थिंक मकसद आपके शो का ही नहीं था, बट मेरा पर्सनली भी था, क्योंकि सर्टन एरियाज एंड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अपने कॉन्टोर्स होते हैं, उनको आप जल्दबाजी में पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है, यू हैव टू गो डीप, एंड उससे ही आपका अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बेस और ओपिनियन बन सकता है। अगर आपको सचमुच में ओपिनियन बनाना है, अगर आपको सचमुच में किसी सब्जेक्ट को समझना है, तो आप एक 30 सेकंड की रील से या फिर एक 5 मिनट की वीडियो से नहीं समझ सकते। right, अगर right. आपको नॉर्थ ईस्ट को हम लोगों को बेसिक डिस्कस करने में 2.5 घंटे लग गए। करेक्ट बेसिक्स, और मैंने इतने सिंप्लीफाइड वे में उसे बोला ताकि इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे उसमें लेयर्स होते हैं, थीम्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, तो एक एक करके, बट वैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। एग्जैक्टली, यू नो, सो आई एम ग्लैड एवरीबॉडी एंजॉयड इट। पर एक गड़बड़ हो गई। हाँ, जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट पे, और क्योंकि पब्लिक ने पसंद किया, उसने परमानेंट कर दिया है आपको नॉर्थ ईस्ट पे, द ज्ञान जरा हटके शो पे। तो आई थिंक आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मेरे लिए तो बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आई हैव अ परमानेंट सीट एट दिस राउंड टेबल, मगर द फैक्ट दैट मोस्टली आपका ऑडियंस हिंदी में देखता है, इट्स अ बेल्ट दैट हैज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और इवन साउथ इंडिया, मगर नेवर द नॉर्थ ईस्ट।
Exactly. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में से जितना मीडियम निकला है वो इंग्लिश में निकला है. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे थ्रू योर शो, थ्रू द हिंदी मीडियम, की हम ये बातें आगे बता सके. रमी जी, दिल्ली से आते हैं आप और इस वक्त दिल्ली में एक बार फिर से फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अगर हम देखें तो आजकल ये प्रोटेस्ट बहुत सारी जगह हो रहे हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे भी देखें तो हर जगह हम लोगों को हर थोड़े दिन में प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं. तो क्या ये जो प्रोटेस्ट हैं ये न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स बन गया है आजकल? दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी डिबेट्स हो रहे हैं ऑलरेडी. डिबेट्स लाइक ये न्यू फॉर्म है, प्रोटेस्ट नई चीज़ है, या पहले भी डेमोक्रेसी में ये होता था, इतने लेवल तक होता था, पॉलिसी चेंज कर सकता है कि नहीं, गवर्नमेंट चेंज कर सकता है कि नहीं. ये सबसे जरूरी है कि इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है इसका. तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी अब डिबेट हो रहे हैं, काफ़ी थियोरिस्ट हैं इस पर लिखा जा रहा है. मैं अपना ओपिनियन बता सकती हूँ इसमें, और जैसे आपने कहा मैं दिल्ली की हूँ तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर दो महीने कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है जो दिल्ली में ही कल्मिनेट हो रहा है. आपने देखा होगा, मैंने रिसेंट आर्टिकल भी लिखा है फर्स्ट पोस्ट में, हाँ, ऑन इन माई कॉलम रैमिफिकेशन, मैंने जो आर्टिकल लिखा है ऑन फार्मर प्रोटेस्ट एंड इज दिल्ली बींग हेल्ड हॉस्टेज. क्योंकि हमको लगता है NCR, नॉट जस्ट दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन में ऐसा लगता है कि जब भी कुछ किसी को मांग है, किसी को कुछ डिमांड है, वो दिल्ली तक आएंगे, ज़रूर आए, मगर कैसे आ रहे हैं, वॉट इज़ द डिस्ट्रक्शन, इनकन्वीनियंस हमें क्या हो रहा है, पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी कितना वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो इसका रिन्यूमरेशन कहाँ से आएगा? लास्ट में पब्लिक को ही पे करना है, ये कोई आपका तो है नहीं. हाँ, उसके ऊपर मैं आपको बताऊँ पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड काफ़ी आपकी ऑडियंस जो दिल्ली में भी है वो मेरे से अग्री ही करेगी, कि जहाँ हमको 40 मिनट लगते थे जाने को, अब 1.5 घंटे लग रहे हैं. क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट वहाँ तक पहुँचा है, मगर चेक पोस्ट लग जाते हैं. हाँ, ऑलरेडी एंग्जाइटी हो गई है लोगों को, कोई भी प्रोटेस्ट, और वो भी जो अग्रेसिव प्रोटेस्ट है. देखिए, हाईवेज रोड्स वगैरह बंद करना या उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना इज अगेंस्ट द लॉ. देर आर मैनी लॉज दैट लिमिट यू फ्रॉम डूइंग दिस. तो द मिनट यू डू दैट, लोगों को शंका आती कि कैन दिस टर्न इन टू समथिंग वर्स, वर्स्ट एंड लॉन्ग फॉर्म, कुछ रायट हो सकता है लॉन्ग फॉर्म. पिछले बारी हुआ था 10 महीने तक चला, यू नो कितने रस्ते बंद थे, कितनी दुकानें बंद थी. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ना हो के प्रेगनेंसी हो गया, करेक्ट, लॉन्ग प्रेगनेंसी. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है कि ये प्रोटेस्ट नया फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है, इसमें वी कैन लुक एट इट टू वेज. ये नई तो चीज़ है नहीं. नंबर वन, प्रोटेस्ट पहले भी होता हुआ है, और प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है. इनफैक्ट अगर मेरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, अगर हम लोग देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी, नीतीश कुमार, ये सब प्रोटेस्ट और इन्हीं तरीके के मूवमेंट से निकल के आए ना. एब्सोल्युटली, मगर उनके मूवमेंट्स थे, इट वॉज फॉर अ ग्रेटर कॉमन गुड. ओके, यू नो, मतलब मैं सोचती हूँ, मेरा एक इंटरव्यू सुशील जी मोदी जी के साथ भी है, उनने पूरा हाउ ही गॉट इनटू पॉलिटिक्स, व्हिच वाज द ग्रेट जेपी मूवमेंट, यू नो, हाँ, उसके बारे में बात किया. मगर आप देखो कि जो जेन्युइननेस थी उन प्रोटेस्ट में, जो ऑथेंटिसिटी थी, जो उनके डिमांड थे, वो अपने लिए नहीं, ऑल ऑफ इंडिया के लिए, समाज के लिए थे. दे वर नॉट पर्सनल डिमांड्स, देयर वाज नो सेल्फिशनेस इन्वॉल्व. जो उसमें इंटरसेक्शनैलिटी आजकल हम देख रहे हैं ना, कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, खाली पंजाब से हो रहा है, कोई और फार्मर ज्वाइन किया नहीं है, उसमें खालिस्तानीज भी आ गए हैं. हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था, यही मेरा अगला क्वेश्चन था, कि ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट एक बार फिर से हो रहे हैं दिल्ली में, आपको क्या लगता है, ये क्या वाकई में फार्मर प्रोटेस्ट हैं, या क्योंकि ये किसानों की बात करते हैं, साथ में खालिस्तानी वाली बात करते हैं, और अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानी लीडर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है? मतलब आपने अच्छा पॉइंट आउट किया ये. लेट मी कम टू दिस, बट लेट मी आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, कि ये प्रोटेस्ट नया टाइप ऑफ पॉलिटिक्स है कि नहीं है. तो प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है, डेमोक्रेसी का बहुत इंटेग्रल पार्ट है. नई बात नहीं है कि सिटीजन्स प्रोटेस्ट करें, गवर्नमेंट से डिमांड करें, मगर आजकल का मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दिस इज माई ओन असेसमेंट,
वो बदल चुका है. हमें इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिलता है, लाइव न्यूज मिलता है, 24 आवर कवरेज होता है, कवरेज भी सेंसेशनलाइज होता है. ट्विटर है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स बन रहे हैं, छोटे छोटे रील्स बन रहे हैं. पूरा कॉन्टेक्स्ट में आपको काफ़ी जगहों में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात किया था 15 सेकंड के, 30 सेकंड के रील्स बन रहे हैं, उसमें आपको क्या पता वो स्टेटमेंट भी बनाया किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया. हाँ, या तो आपको पूरा डेप्थ ऑफ, अगर हम फार्मर डिमांड्स के बारे में बात करें, ठीक है, मोटा मोटी कॉमन मैन जानता है पेंशन चाहिए नए डिमांड्स में, हाँ MSP की थोड़ी बहुत बात जानता है, मगर डीपली कम्प्लेक्सिटी मैं भी नहीं बोल सकती हूँ. यू नीड एक्सपर्ट्स ऑन दिस. हाँ, मगर ओपिनियंस बन रहे हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन इतना रेडिली अवेलेबल हो गया, मगर लोगों को सिफ्टिंग थ्रू जो ट्रूथ है और जो फॉल्स है वो करना नहीं आता है अभी तक. तो हम लोगों ने वापस सोशल मीडिया पे कहानी घूम फिर के आई हमारी, और हम लोग बात कर रहे थे ग्लोबल लेवल पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके बारे में कि ये आजकल बिजनेस बन गया, तो क्या ये सोशल मीडिया इसके लिए? सी, प्रोटेस्ट तो बिजनेस है, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट आप नहीं सस्टेन कर पाओगे अगर आपके पास पैसे नहीं हो. क्योंकि ये प्रोटेस्ट ऐसे नहीं है कि घर से निकल के आए, बाहर प्रोटेस्ट किया, वापस घर चले गए. 10-10 महीने तक लोग रहे हैं. हाँ, 10 महीने अगर कोई रह रहा है तो वो विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग नहीं हो सकता. सीए एनआरसी वाले टाइम पे भी देखिए कि शाहीन बाग वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स बने थे, टेंटिंग है, खाना आ रहा है, लोग फ्लाई डाउन कर रहे हैं स्पीच देने को, कहाँ से आते हैं ये पैसे? और कैसे ही ये लोग हैं जो 10 महीने काम करे बिना बैठ सकते, क्योंकि मैं तो 10 महीने काम करे बिना नहीं बैठ सकती. तो ऑब्वियसली कहीं से कॉम्पेंसेशन आ रहे, और ये सब बातें बाहर निकली थी. ये तो अब इतनी एविडेंट बातें हो गई, आप गूगल करके भी देखेंगे आपको न्यूज रिपोर्ट्स मिल जाएंगे. वीकली पैसे मिल रहे थे जो प्रोटेस्टर्स जो बैठे हुए थे, जो हम शाहीन बाग दादीज बोलते हैं, दे वर गेटिंग मनी. उनको खाना मिल रहा था, बिरयानी मिल रही थी, उनके टेंटिंग के लिए, जनरेटर के लिए पैसे मिल रहे थे, माइकिंग सिस्टम्स, स्पीकर सिस्टम्स, कहाँ से आते हैं ये सब? मगर जो दिक्कतें आपकी नेबरहुड को ही, आपकी समाज को ही, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स जो पहले प्रोटेस्ट थे और जो अब प्रोटेस्ट है. दिस इज द डिफरेंस. आप कभी अपने समाज को एट रिस्क नहीं डालोगे. व्हाट डिड द सीए प्रोटेस्ट कल्मिनेट इनटू? दिल्ली, राइट? एग्जैक्टली. एज एन एग्जाम्पल आप प्रोटेस्ट की बात करें, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्लेटफॉर्म बन गए हैं कि हम डिसेंट को हम एनार्की कैसे बनाएं. Exactly. प्रोटेस्ट के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आप सिंगापुर जाओगे तो एक ही जगह है जहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हो. यूएसए में शायद 30 डे का रूल है. यू कांट प्रोटेस्ट ऑन द रोड्स. अनलिमिटेड आप अरेस्ट हो जाओगे. हमारी तो इमेज ऐसी बनाई हुई है अभी इंटरनेशनल मीडिया में, वेस्टेड इंटरेस्ट इन इंडिया एंड वेस्टेड इंटरेस्ट इन द वेस्ट. ये एक कलोनियल मेंटालिटी है कि जिनको हमने रूल किया वो अब हमें कैसे नजर दिखा रहे हैं या हमें क्या डायरेक्शन देंगे. मगर देंगे. बट इसके वजह से नैरेटिव बिल्डिंग इतना बढ़ चुका है कि अब कहते हो इंडिया इज स्टॉपिंग डिसेंट. अरे भाई, आपके देश में आप अलाउ नहीं करते हो. आपको करना है, आप करिए. जूलियन असांज, उसको मतलब क्या था वो? क्या एक बात बताइए, क्या गुनाह किया उसने? जर्नलिज्म ही फॉलो कर रहा था ना वो. आप जूलियन असांज की बात करें, आज के दिन में देखिए, वेदर यू लाइक ट्रंप और यू डोंट लाइक ट्रंप, हाँ, ऐसा कोई तरकीब नहीं है जो इनने नहीं निकाली है टू इंश्योर कि इसकी कैंडिडेसी फेल हो जाए. ये डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के बारे में दुनिया बात ना ही करे वो बेहतर है, मगर मैं जो कहना चाह रही हूँ कि प्रोटेस्ट में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप ना ही फॉलो करें वो आपकी मर्जी है, मगर फिर कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे. अब उसके ऊपर आप नहीं रो सकते. इफ़ यू आर वायलेटिंग द रूल ऑफ द लैंड, then consequences भी आपको face करना पड़ेंगे ना. You have to have the courage to face the consequences. बड़े protesters पहले भी हुए हैं and उन्हें भी consequences face किए हैं. Exactly. तो आपको क्यों exempt किया जाए? कल मैं जाके रस्ते के बीच में बैठ जाऊं, आपको लगता है मेरे को बैठने को ही देगा? मैं जाके आपकी गाड़ी जला दूं, आप खुद ही आके मेरे को, you know, you will file a complaint against me, the police will come and arrest me. जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं ना, और जैसे ग्रीन लाइट होती है, एक सेकंड भी अगर आप रेस दबाने में देरी हो जाए तो पीछे वाले चिल्लाने लगते हैं आपके ऊपर. तो ये ग्लोबली ये चीज बदल गई है. द अदर थिंग इज सोशल मीडिया इसलिए इतना बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि हर चीज को बड़े मैग्नीफाइड वे में दिखाता है. क्योंकि एल्गोरिथम्स आजकल इतनी हो गई है, क्योंकि इन वेबसाइट्स के पास इतना डेटा है, और क्योंकि वो टारगेट एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो ये एल्गोरिथम की मदद से टारगेट किया जाता है ऑडियंस को भी. करेक्ट. सो वो ऑडियंस वही चीज
कोई काउंटर नैरेटिव तो नहीं देख रही है, एक ही चीज देखते रहती। अब सीए के टाइम में मैंने नोटिस किया था, ये जो जितने इंस्टाग्राम में जैसे पोस्ट निकलते हैं ना, तीन चार लाइन के जो इन्फॉर्मेटिव पोस्ट होते हैं, उसमें कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द सीए इज, मतलब टू द एक्सटेंट कि जिसने भी लॉ पढ़ा था उनको पता था कि इट हैज नथिंग टू डू विद एग्जिस्टिंग सिटीजंस। जितने पोस्ट निकल रहे थे, इट वॉज ऑल अबाउट ओ we will or the Muslim community in the country will lose their citizenship. Huh? And mere ko dekh ke I was in shock, because agar ye purane zamane mein hota, newspaper mein aise kuch nikalta, people would have immediately filed a case against you. Huh? Magar सोशल मीडिया में क्योंकि इतना वॉल्यूम है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक अच्छे पत्रकार के साथ में बैठा हुआ था दिल्ली में, तो ऐसी यही चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने ऐसी मजाक मजाक में बताया कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में बस यही डिफरेंस है कि प्रिंट मीडिया दंगे करवाने में 24 घंटे लगाता है एक दिन बाद, क्योंकि प्रिंट हो जाता है। करेक्ट, सोशल मीडिया इमीडिएटली। तो यही दिक्कतें हो जाती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है, कितने लोग इंस्टिगेट हो रहे हैं, कितने बच्चे गलत खबर सुन के प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, और इमेजरी। अब अगर आप देखेंगे, अभी मेरे को उस टाइम पे तो याद थे, बट इफ यू लुक एट द नंबर्स, कुछ हैंडफुल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी, 4-5-6 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व नहीं थी सीएए में। हाँ, मगर जो विजुअल्स इंटरनेशनली घूमे, आप सोचोगे पूरा देश ही रुक गया है। लाख 2 लाख लोग इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन+ इज नथिंग, नथिंग, इट डज नॉट रिप्रेजेंट व्हाट द नेशन थिंक। वो गांव को, वो एक दिल्ली जैसे शहर को रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जैक्टली, एंड हम क्यों सोचते हैं कि खाली जो दिल्ली वाले बच्चे मांगते हैं वही पूरा देश मांगता है, पूरा देश मांगता है। अच्छा, यहीं पे मेरे माइंड मेरा आपसे सवाल ये है कि आज ये जो किसान मांग रहे हैं, सी अनफॉर्चुनेटली हमने ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लिकेट कर लिए। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, बीएलएम जब हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, उसमें खालिस्तानी ग्रुप्स भी जुड़ गए थे। हाँ, काफी हमारे सिटीजन्स, दे आर नॉट आर सिटीजन्स बट जैसे ओसीआई होल्डर्स हुए या व्हाटएवर अब्रॉड, डायस्पोरा के भी कई लोग, वो भी जुड़ गए थे। हाँ, ब्लैक लाइव्स मैटर्स से आपका क्या लेना देना, आपकी ग्रीवेंस कैसे हो सकती है, क्योंकि जो मजॉरिटी ऑफ, एंड उस टाइम पे यू नो देयर वाज सम इंटरसेक्शनैलिटी फार्मर्स के साथ भी, मजॉरिटी जो लैंड ओनर है वो जज सिख है, वो ओप्रेस्ड है ही नहीं। एग्जैक्टली, ही इज द रूलर। मतलब मेरे को अभी थोड़े दिन पहले किसी ने एक्सप्लेन किया, कोई एक्चुअली मैं नाम नहीं ले सकता, पंजाब के सरदार हैं, एंटी खालिस्तान हैं, मतलब वो प्रो इंडिया है पूरी तरीके से, तो उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक होते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ना, ये एक्चुअली में जट सिख का मूवमेंट है। इट्स अ जट सिख मूवमेंट, तो आपकी तो ग्रीवेंस क्या ही है। ब्लैक लाइव्स मैटर्स में जो ब्लैक एक्सपीरियंस था अमेरिका में, दैट इज रूटेड इन ओप्रेशन, कि उनको प्रेस किया गया था। मगर जट सिख को कभी प्रेस किया गया है, तो ये, एंड ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जट सिख भी नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली, राइट, एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, मगर दुनिया में ऐसे दिखाई देगा कि एवरी जट सिख इज अगेंस्ट, एग्जैक्टली, और इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी में और जट सिख कम्युनिटी प्रो इंडिया है, प्रो इंडिया है। They've been at the forefront of our military, our army, you know. कभी-कभी मेरे जो है जान-पहचान के, मेरे को लगता है मैं कम pro India हूँ, वो लोग ज़्यादा। They are in the forefront. Defense forces, आप देखिए कितने debaters भी हैं जो openly, vocally, without fear, they call out the Khalistanis. अब ये intersectionality जो हो गई है ना हर चीज में, हम मुद्दे पे तो हम बात ही नहीं करते उसमें, ये अब मैं किसी दिन एक मैंने इंटरव्यू लिया था, गे राइट्स एक्टिविस्ट थे, हाँ, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप परेड ऑर्गेनाइज करते हो, आपके परेड में फ्री शर्जील इमाम के नारे क्यों लग रहे थे, गे राइट्स और शर्जील इमाम बीच में क्या ही कोरिलेशन है। और अभी आपने गाजा वाला केस देखा है, गाजा के लिए जो प्रो परेड, प्रो गाजा परेड होते हैं वेस्ट में, उसमें ये एलजीबीटी कम्युनिटी वाले गाजा के झंडे लेके घूम रहे हैं, और हमास वालों का जो चार्टर है उसमें लिखा हुआ है ऑफिशियली कि एलजीबीटी कम्युनिटी वो डेथ, मतलब ये क्या ही लॉजिक है, यू नो। एक तरफ हम बातें कर रहे हैं बैलेंस एंड रैशनैलिटी के बारे में,
और दूसरी तरफ ये है, ये तो बेचारे इतने गए गुजरे, ये क्या ही समझेंगे, यू नो, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आप जाइए ना पैलेस्टाइन. हाँ, अगर वाकई में दम है तो जाओ ना. किसने भाई, इंडिया से कोई फ्लाइट है तो रुकी नहीं है, इजिप्ट उतरो, वहां जाके प्रोटेस्ट करो, इजिप्ट उतरो, राफा बॉर्डर पहुंचो और घुसो अंदर. यही प्रॉब्लम है. ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी जो मैंने अपने नए आर्टिकल में लिखा है इज दैट ये डिसेंट एनार्की में वापस बदल सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई अश्योरेंस. सबसे बड़ी चीज, इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए तो ये टाइम पे हुआ है. अगर आप काफी डिमांड्स, यस, कैन बी डिस्कस्ड. हाँ, ऐसा नहीं है कि डिमांड्स डिस्कस नहीं हो सकती है, काफ़ी निगोशिएबल रैशनल डिमांड्स हैं, मगर काफ़ी कम्प्लीटली इरैशनल डिमांड्स हैं. आप स्टेट को रैंसम पे नहीं होल्ड कर सकते हो. स्टेट की प्राइमेसी हमारे लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. और आप स्टेट को बताओगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से विड्रॉ करें, आप स्टेट को बताओगे कि WTO से आप वो करो, यू नो, प्लस आपने ये अन्नदाता जो आप बोलते हो ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया है मेरे हिसाब से. क्योंकि मेरे लिए तो अन्नदाता, यू नो, आप अन्नदाता उतने इम्पोर्टेंट मेरे लिए, तो मेरा प्लम्बर भी है, माई कॉन्ट्रैक्टर, मेरा जो लेबर है, वुमेन लेबरर्स जो धूप धूप में अपने बच्चों को लेके कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, दे आर फॉर मी एज इम्पोर्टेंट एंड पार्ट ऑफ दिस कंट्री एज अ फार्मर. हर बंदा अपना पार्ट कर रहा है ना, और हर बंदा कंट्री के लिए कुछ कुछ वैल्यू एड ही कर रहा है ना, आप एकदम स्पेशल कैसे हो गए? एंड आप ही वो देश के और फार्मर्स नहीं हुए. और अब मेरी यहाँ पे शायद मेरी बात बहुत बुरी लग जाएगी बहुत लोगों को, और मेरे को लिटरली मेरे को मालूम है कि बहुत लोग गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर. भाई, किसानों के तो बिल माफ हो रहे हैं, ये प्लम्बरों के तो बिल माफ हुए क्या आज तक कभी? ये जो सीवरेज साफ करता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि कचरा फेंकने के लिए तुमने पूरा देश रख रखा है ना, मोदी जी के कहने के बाद में भी लोग नहीं सुधर रहे, तो बेचारे ये जो गंदगी साफ करते हैं, सीवरेज साफ करते हैं, हम में से कितने लोग हुए हैं जो नाले में उतर के नाला साफ करने को रेडी हैं? हैं, वो बेचारा कर रहा है तो उसका कोई बिल माफ हुआ है क्या? हाँ? किसी का नहीं, मेरा बिल माफ हुआ. और फिर आप, हाँ, फिर आप एग्जैक्टली आप नॉर्थ ईस्ट में जाके आप इतनी मेहनत, भाई हम सभी कंट्री के, देखो हम प्राइवेट सेक्टर के, मेरे को पेंशन मिलेगा क्या? एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं मिलने वाला. तो फिर उसके बाद एक तो आपके बिल माफ हो रहे हैं, आपको फ्री का सब कुछ मिलता है, सब्सिडी भी मिलता है, फिर आप अन्नदाता को अलग अलग कार्ड प्ले करते हो, ये क्या तरीका है? उसके ऊपर आप एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, आप अपने प्रोटेस्ट को हाईजैक करने देते हो. एग्जैक्टली, ये प्रोटेस्ट में, नए प्रोटेस्ट में जो मैंने अपने आर्टिकल पे लिखा है कि लोग सोच रहे थे होएगा नहीं होएगा, मैंने तो दूसरे दिन ही लिख लिया, मैंने कहा होएगा. क्योंकि अगर आपको पता है पिछले साल क्या हुआ था, आप कोई अश्योरेंस या सिस्टम आपने लागू नहीं किया अपने प्रोटेस्ट में टू इंश्योर कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स उसको हाईजैक ना करें. आप ये सिस्टम बनाते या आप पब्लिकली कंडेम करते. एक हैं वो मिस्टर दलेवाल करके, जगजीत सिंह दलेवाल फार्मर लीडर हैं, उनकी तो वीडियो बाहर निकल गई है, कहते हैं मोदी जी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बड़ा हाई हुआ है, हमें कुछ भी करके, ये प्रोटेस्टर्स को बोल रहे हैं, हमें कुछ भी करके उसे गिराना है. तो अब इसका MSP से क्या लेना देना? फिर पता है क्या एंड अप, यू नो व्हाट इट एंड्स अप एज, कि लोगों को लगता है कि आपकी प्रोटेस्ट ही जेन्युइन नहीं है. Exactly. वो पन्नून ने जो डेजिग्नेटेड इंडियन टेररिस्ट है, मेरे को तो लगता है वो होमलेस और जॉबलेस है. हाँ, मेरे को तो नहीं लगता है वो टेररिस्ट होने के भी केपेबल है. हाँ, मगर जो भी है, ही इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. ही हैज कॉल्ड अपॉन ही सेड दिस, कि जितने भी हमारे खालिस्तानी भाई बहन हैं, वी इनकरेज देम टू जॉइन द प्रोटेस्ट. अब अगेंस्ट दिस, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे इन्वॉल्व है प्रोटेस्ट में, उनको ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट वापस देनी चाहिए थी कि वी कंडेम द स्टेटमेंट. एग्जैक्टली, क्यों नहीं, एक स्टेटमेंट क्यों नहीं वापस निकला है? एग्जैक्टली, आपको एक हमें डर डर के बोलना पड़ता है कि ये गलत बात है, मगर आप हमारा डर नहीं समझोगे. मैं CA राइट्स के टाइम पे, जब राइट्स ब्रेकआउट हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, एक कॉलोनी ऐसा नहीं था जहाँ से खबरें नहीं आ रही थी कि यहाँ भी राइट्स आ रहे हैं. और ये साउथ दिल्ली की कॉलोनी थी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में राइट्स ब्रेकआउट हुए थे. साउथ दिल्ली यूजुअली अपने आप को समझता है कि हम कॉर्डन ऑफ हैं, हम सेफर हैं, मगर वहाँ से रूमर्स जैसे रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन पे मैसेजेस, या हमें स्टाफ मेंबर्स बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है, वहाँ झगड़े चालू हो गए, यहाँ लोगों को अपने गेट बंद करने पड़े थे, लॉक ताला लगा के, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे. तो क्या हो रहा है अब कि ये जो प्रोटेस्ट है, इनका डर है ना, हर आदमी में बैठ गया है. और मेरे घर में मेरी, फॉर एग्जांपल, मेरी भाभी अकेले थी, हम लोग,
मैं और मेरी मदर गुजरात में थे, मेरे भाई वॉज आउट फॉर सम वर्क. वी वर सो स्कैर्ड. हम जब तक वापस पहुँचे या कोई घर तक पहुँचे, यू नो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ऐसा हमें, वाई शुड यू नॉट टेक गारंटी कि आपकी प्रोटेस्ट राइट में नहीं बदलेगी? और मैं तो कहता हूँ यही आपके आपका सबसे बड़ा फेलियर है कि आप प्रोटेस्ट करने निकलो जिस शहर में, उस शहर के लोगों को अगर डर लगने लगे तो फिर आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. आप अगर आपको अन्नदाता बोलते हो तो हमें आपसे डरना क्यों पड़े? और आम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आम जनता ही आपसे डर रही है. करेक्ट. तो फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? आम जनता ये कह रही है, ऑल्सो द गवर्नमेंट ये कह रही है. हर चीज में आपकी मनमानी नहीं हो सकती है. कई चीजें निगोशियबल हैं, कई चीजें निगोशियबल नहीं है, यू नो, क्योंकि वी जस्ट डोंट नो वेयर द मनी विल कम फ्रॉम. एंड ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है कि नहीं है. देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है. इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ये लोग ये चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं. आप और मैं नहीं समझ सकते. Exactly. तो उनको बिठाइए, मीडिएशन करिए, हैव डायलॉग्स. डायलॉग से क्या चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती है, मगर रिस्किंग अ स्टेट ओवर एंड ओवर अगेन. हमारे लिए तो ये अब एवरी टाइम कुछ डिमांड होती, किसी की भी, इनकी बात नहीं है, किसी और की भी बात, सीए के टाइम पे दिल्ली में ही कल्मिनेशन होता है. सीए के टाइम में मैं आपको बताऊं, 20 करोड़ का ऑन अ लोअर एंड, हाँ, दिल्ली अथॉरिटीज को डैमेज हुआ. 25,000 करोड़ का डैमेज जनरल बिजनेस को हुआ था इन टर्म्स ऑफ गाड़ियां जलना. अच्छा. हाँ, गाड़ियां जलना, बिल्डिंग तोड़ना और बिजनेसेस बंद थी. सो अप्रोक्सीमेटली उतना नुकसान हुआ था. जब हमारे देश में लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि देश की भी प्रगति हो, अपनी भी प्रगति हो, ये नेसेसरी है क्या? एग्जैक्टली. और ये करके 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे हम लोग? लोगों को लगता है, मेरे को तो लगता है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि बने, और 5 ट्रिलियन बनने से रोकने के लिए कर रहे हैं ना. और आप देखिए परसेप्शन क्या जा रहा है बाहर, कौन आएगा फिर इन्वेस्ट करने के लिए? आप हमारी नाक कटवा रहे हो. Exactly. मैं कह रही हूँ प्रोटेस्ट करो, देयर आर बेटर वेज टू डू इट. एंड अगर आप वोसिफेरसली और करेजियसली, यू कैन नॉट कंडेम द एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो ये प्रोटेस्ट हाईजैक कर रहे हैं, देन आपका कोई बिजनेस नहीं है ये प्रोटेस्ट करना. Exactly. हरियाणा गवर्नमेंट, जैसे आपने राइटली कहा कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, दोनों एंड से तो हम फंसे हुए हैं, क्योंकि एक साइड में दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट. आप पंजाब में ही रोक लेते ना फार्मर्स को, हरियाणा तक क्यों आने दिया? और जब पॉलिटिकल एलिमेंट भी आ गया, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट मांग कर रही है कि आप अबाउट आई थिंक 9 या 11 स्टेडियम्स, यू नो, इन एरियाज की मांग की है कि वो हम, वी वांट टू मेक दैट इनटू जेल्स. लास्ट टाइम भी आपने मना किया था, इस बार भी आपने मना किया था, तो आप चाहते हो लोग रस्ते पे हो. एग्जैक्टली. एंड ये सिचुएशन है ना, हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मगर इट कैन बिकम इनटू अ डेंजरस सिचुएशन. एग्जैक्टली. थोड़ा सा पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को जनता का ध्यान रखते हुए पॉलिटिक्स करनी चाहिए. जनता के बेसिस पे आप पावर में आए हो. एग्जैक्टली. उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर है? जनता का. और जनता के पैसे से, हमारे पैसे से बनाया ये इंफ्रास्ट्रक्चर. सो उसका वैल्यू करना, उसका सेफ गार्डिंग, ये आपकी ड्यूटी बनती है. आज भी मुझे याद है, मैं जब 8th में था, तब हमारे एक आई डोंट नो हिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे जब पढ़ा रहे थे तब. वो इतिहास के टीचर थे और वो संविधान के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं बता रहा हूँ लेकिन हमारे देश की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, हमारे देश के अंदर लोगों को अपने अधिकार तो याद रहते हैं लेकिन दायित्व याद नहीं रहते. वेरी वेल सेड, वेरी वेल. और ये हम लोगों को दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है. एंड क्या होता है कि अब इसमें भी, जैसे आप कह रहे हो, पॉलिटिक्स भी जुड़ जाता है, इंटरसेक्शनैलिटी भी जुड़ जाती है. एक फार्मर वीडियो पे बोल रहा था कि आप यहाँ से बंद कर दो, हम बॉर्डर पाकिस्तान से खोल देंगे. अच्छा. हाँ, काफ़ी वीडियोस निकले हैं जिसमें यही जो लोग जुड़े हुए हैं ये प्रोटेस्ट के साथ, उनने कहा है कि हम तो आज़ाद पंजाब चाहते हैं, हम खालिस्तान वाले हैं. तो करेक्ट. मगर निकालो इनको प्रोटेस्ट से. एग्जैक्टली. आइडेंटिफाई करो, हमें दिखाओ कि आप सीरियस हो. भाई आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई ये हमारे किसान के मुद्दे, हमको ये मुद्दे पे बात करनी. आप खालिस्तान वालिस्तान फलाना ढिमकाना सब बोल रहे हो, तो फिर आपके एजेंडे के लिए आप तो अलग ही एजेंडा है आपका. आपका एजेंडा ये है कि आपको इलेक्शन से पहले एनआरसी क्रिएट करना है. और जैसे मिस्टर दलेवाल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया, हमको नीचे आना. अब इससे क्या स्पष्ट बात हो सकती है? एग्जैक्टली. रमी जी, अब आपका जो घर है दिल्ली,
वहां से मैं सोच रहा हूँ कि आपके वर्क प्लेस पे चला जाए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। ये जो CA और NRC की हम लोगों ने बात करी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो ये जो CA और NRC है इसको लेके नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ओपिनियन, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की डिमांड रेस्ट ऑफ इंडिया के ओपिनियन और रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों की डिमांड से अलग है, क्यों है ऐसा? See, largely, उनका ऑपोजिशन CA पे नहीं था, दे अंडरस्टूड CA, बट उनका ऑपोजिशन था कि हमारा ट्राइबल लैंड है, अ लॉट ऑफ द लैंड इज ट्राइबल लैंड, इसमें इंडिजिनस फेथ्स रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशंस रहती हैं, कम्युनिटीज़ रहती हैं जो अभी भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स फॉलो करती हैं, अभी भी अपने कल्चर, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री को कायम रखती हैं। वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। ऑल्सो एक प्रॉक्सिमिटी है टूवर्ड्स द लैंड, यू नो, जैसे आप समझ पाओगे, जैसे दिल्ली बड़ी अलग जगह है, दिल्ली में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कल्मिनेट हुए हैं वहाँ, काफ़ी लोग दिल्ली को रेफ्यूजी सिटी भी कहते हैं क्योंकि ड्यूरिंग पार्टीशन अ लॉट ऑफ पीपल केम इन। आई मायसेल्फ आई एम गुजराती, मैं दिल्ली में रहती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में नेसेसरली ऐसा नहीं है, इट्स स्टिल पीपल जो वहीं के हैं उनका गढ़ वहाँ है। उनका ये कहना था दैट वी आर अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ माइग्रेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे इलीगल है या लीगल है, मगर हमें माइग्रेशन यहाँ नहीं चाहिए। उनको मतलब न्यू कल्चर, न्यू अपने कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। कल्चर में नहीं, मतलब जनरली एक उनका वे ऑफ लाइफ है, एंड उनने बहुत ही इलीगल इमिग्रेशन देखा है, इसका एक्सपीरियंस बहुत प्रोलॉन्ग्ड है, यू नो, बिकॉज मल्टीपल लेवल्स पे अफेक्ट करता है, नॉट जस्ट ऑन द लेवल ऑफ कि आपका कल्चर डाइल्यूट हो जाएगा या आपका वे ऑफ लाइफ डाइल्यूट हो जाएगा, मगर पॉलिटिकल लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर्स बदलते हैं, पावर लूज होता है, और जो लोग वहाँ इतने टाइम तक रहते आ रहे हैं उनको इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है क्योंकि ये बॉर्डर्स पोरस थे। बांग्लादेश के साथ हो या म्यांमार के साथ हो, ये सब बॉर्डर्स वो पोरस, सो इनका हिस्टोरिकली ये बहुत एक एक्सपीरियंस रहा है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है। आपको पता होएगा अबाउट द असम अकॉर्ड, यू नो, विच आल्सो केम आउट ऑफ अ स्टूडेंट्स मूवमेंट, और वो स्टूडेंट्स मूवमेंट का बेसिस ये था दैट वी वांट इलीगल माइग्रेशन सेटलमेंट, यू नो। अच्छा, अभी दीप सर करके आए हुए थे यहाँ पे गेस्ट, दीप हल्दर। हाँ, दीप हल्दर सर, वो बांग्लादेश में, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। बहुत बढ़िया काम करते हैं वो बांग्लादेश में। तो उन्होंने मुझे बताया कि वेस्ट साइड में जब पार्टीशन हुआ तो वेस्ट साइड का जो पार्टीशन है वो तो 2 साल में ख़त्म हो गया था, मतलब लोगों का मूवमेंट 2 साल में ख़त्म, लेकिन जो ईस्ट साइड का पार्टीशन हुआ यहाँ बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अत्याचार हो रहा था इधर और लोग माइग्रेट हो रहे थे, तो उस टाइम का माइग्रेशन भी मेरे हिसाब से शायद नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा हुआ होगा। दैट टाइम भी ऑब्वियसली हुआ था क्योंकि इतना एक्सपेल किया गया था लोगों को, इतना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, एंड ऑब्वियसली बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ जो थी उनको निकाला गया था, तो त्रिपुरा में डेमोग्राफिक चेंज हुआ था, वो अलग बात है कि हिंदू कम्युनिटीज़ थी जो ज़्यादातर आई थी, वो टोटली डिफरेंट कल्चर हो गया ना, वो जो आए थे वो हाँ, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज़ अलग होती हैं, उनका कल्चर अलग होता है, ऑब्वियसली इसमें कोई राइट या रॉन्ग की बात नहीं है, ये रियलिटी है कि एक थ्रेट परसेप्शन होता है। तो एक्चुअली CA के टाइम पे मैं तो एक्चुअली आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट, मगर इनर लाइन परमिट जिसके बारे में हमने पिछली बारी बात की थी, इनर लाइन परमिट वाज अ ब्रिटिश पॉलिसी जहाँ एक इनर लाइन ब्रिटिश ने लगा दिया था, द कॉलोनियलिस्ट ने, कि हम सर्टन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उस साइड रखेंगे लाइन के, एंड एक बफर जोन बनाएंगे जहाँ तक वो आ सकते हैं और जहाँ तक बाहर का आदमी जा सकता है। उनने ऑब्वियसली इस डिसगाइज में ये आगे पॉलिसी बनाई थी कि हम आपके यूनिकनेस को प्रिजर्व करने के लिए हम आपको ये इनर लाइन के अंदर रख रहे हैं, कुछ यूनिकनेस प्रिजर्व करने के लिए नहीं था, इट वाज क्योंकि दे वर नॉट हैप्पी कि कॉलोनियलिस्ट उनकी ज़मीन पे थे, उनके ट्रेड रूट्स को यूज़ कर रहे थे, उनके लीडरशिप को चैलेंज कर रहे थे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अपनी लीडरशिप होती है, वो अपने रूल्स बनाते हैं, उसको कॉलोनियलिस्ट चैलेंज कर, दे आर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी एट दैट पॉइंट। अच्छा, तो ये जो एटीट्यूड है ये वहाँ से चलता आ रहा है, वहाँ से चलता आ रहा है क्योंकि एनी सॉर्ट ऑफ ओप्रेशन इज नॉट टेकन काइंडली। तो ILP उस टाइम पे इन लोगों ने लगाया था, एंड CA के टाइम में मणिपुर में ILP लग गया। तो ऐसे हैं 4-5 स्टेट्स जिनमें ILP है। वो उससे मेरे को जो
the problem that I have with an ILP is ILP, आपको ना परमिशन लेनी पड़ती है अंदर जाने को. हालांकि मणिपुर में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है. जैसे ही आप एयरपोर्ट पे निकलो, एक काउंटर वहाँ है, आप वहाँ जाओ, वो आपका आधार कार्ड या डिटेल्स मांगेंगे, जो भी डिटेल्स उनको चाहिए, एक पर्ची बना के देंगे. वो पर्ची आपको सबमिट करनी होती है जब आप निकल रहे हो, ताकि उनका ट्रैक रहे, कौन गया कौन आया कौन. एंड क्यों? क्योंकि उनको डर है कि लोग आते हैं, सेटल हो जाते हैं, डेमोग्राफिक चेंज होता है हमारे, यू नो, इट इम्पैक्ट्स आर पीस एंड स्टेबिलिटी. मगर जो थर्ड आदमी है जो आ रहा है, वो समवेयर साइकोलॉजिकली सुन के कि एक वीज़ा टाइप प्रोसेस है, वो थोड़ा डर जाता है आने को. ऑल्सो sometimes internally in a country free movement is a necessity. Nobody should feel. फिर हम complain करते हैं कि हम alienate feel कर रहे हैं. Exactly वही. और फिर अगर आप इंडिया का पार्ट हो, मेरा तो बड़ी सिंपल सा है, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, आदमी कहीं पे भी जाए देश में, सब जगह तो फ्री मूवमेंट होना चाहिए. कहीं पे भी जाओ, घूमो फिरो, क्या फर्क है. Absolutely, until unless आपके threat, कोई threat perception है या security की issue है, I should have the right to go where I want to, when I want to, exactly. as a peaceful citizen of this country. Magar ye sometimes, you know, politically hijack ho jate hain, manipulate ho jate hain. Sometimes truly they believe ki yahi hai rasta. Magar hame aaj ke tareek mein hame bigger picture dekhna bahut zaruri hai. Not just an insular picture ki hamare sath ya hum kya kar sakte hain, hamari opportunities kya hai. मैं बताऊं आपको, मेरे हिसाब से लोगों की ज़िंदगी में जो अब या तो यूथ है या तो मिड एज में है, ऐसा टाइम ना तो कभी आया है और ना तो कभी आएगा जब इतने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इतना एम्बिशन फुलफिल करने की मेथड्स, हेल्प, सपोर्ट अवेलेबल है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में फंस के आप अपने आप को लिमिट कर सकते हो, जो नहीं करना चाहिए. सो ये आई थिंक वी हैव टू लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव. अच्छा, एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उनका पूछना ये था कि सपोज NRC हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एंड सपोज 2 करोड़ का एक नंबर निकल के आ गया, मोटा मोटा हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि भाई 2 करोड़ लोग हैं जो इनलीगल इमिग्रेंट है, फिर क्या करेंगे उन 2 करोड़ लोगों का, क्या होगा, लिस्ट बन गए सब हो गया उसके बाद. ये तो आपके ना ऑडियंस is very sharp. सारी जियोपॉलिटिक्स की है ना, तो उन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है. You know, मतलब यही होता है ना कि दिल्ली और बॉम्बे की ऑडियंस समझती है, वो सब जानती है, बट जितना इनको बारीकी से चीजें क्वेश्चन करने की आदत है, मैंने कभी नहीं देखा है. वेरी गुड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है. अच्छा. नहीं है, मतलब आई कैन ओनली से दिस हाफ वे, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये सोचने की बात है ऑन मल्टीपल लेवल्स. सी, ये जो NRC है, ये काफ़ी दूसरे कंट्रीज में भी हुआ है, एंड मेरा जो मानना है, ये नेसेसरी है. इंडिया इज़ एन अपकमिंग पावर. बहुत लोग मानते हैं, जेफ बेजोस तक मानता है कि अगला पूरा सेंचुरी इंडिया का होने वाला है. ये इसने पब्लिकली बोला है. तो जब हम ऐसे असेंड कर रहे हैं, तो ये तो बात नॉर्मल सी है कि लोग यहीं आना चालू करेंगे. उनके लिए दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन, स्पेशली नेबरहुड में जब इंस्टेबिलिटी चल रही है. वो कहाँ जाएंगे? सेम चीज हम लोगों को अमेरिका में भी देखने को मिलती है. वेयर आर पीपल गोइंग? साउथ से सब USA की ओर ही आते हैं. एग्जैक्टली. सो इंडिया में भी जब नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी है, उनके लिए सेफेस्ट जगह कहाँ होएगा? जाना यहाँ होएगा. ये देखते हुए, एंड ऑलरेडी देखते हुए कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इलीगल माइग्रेशन को इतना लाइटली लिया, पोलिटिकली यूज किया ताकि डेमोग्राफिक चेंज हो, जो हमने विदाउट एनी डाउट, ये आपको कोई भी कहे ना कि नॉर्थ ईस्ट में डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है, ये कोई भी कहे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देर हैज़ बिन, मतलब ये प्लान बना है टू चेंज, चेंज करने, ये कोई यू नो नेचुरल नहीं है, लोग लाए गए हैं, बिठाए गए हैं. कोई भी कहे ना ये दिस इज़ नॉट ट्रू, ही डजंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि नंबर्स आर देयर ऑल्सो, बट आप वहाँ बस रस्ते पे चलो, यू विल हियर एलियन लैंग्वेजेस, यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स जो वहाँ नेचुरल नहीं. दिस इज बेसिक ऑब्जर्वेशन. सो NRC होना बहुत ज़रूरी है, मगर NRC कैसे होएगा, वी नीड टू रिफाइन दैट. सी, द पॉपुलेशन इज वेरी बिग एंड दैट्स आर चैलेंज, मगर वी हैव ओवरकम अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ये भी चैलेंज, आई एम श्योर वी कैन रिफाइन इट बेटर.
एंड वी कैन मेक द प्रोसेस इजियर ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो किसी तरीके की. मल्टीपल लेवल्स के पेपर वर्क हो दैट यू कैन शो. कई लोगों के पास पेपर वर्क नहीं होता है. जैसे लास्ट एनआरसी में भी था कि आप नेबर्स को ला सकते थे बताने के लिए क्या. हाँ, ऐसा में जब हुआ था. सो ऐसा नहीं है कि बड़ा ड्रकोनियन है. बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं मगर फिर भी रिफाइन करने की जरूरत है. एंड वो रिफाइन होएगा, क्यों नहीं होएगा. ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है. एंड वट एवर सेड एंड डन दिस गवर्नमेंट, एंड मैं तो अपना नॉर्थ ईस्ट का लेंस देखती हूँ. मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था 74% रिडक्शन इन इंसर्जेंसी जो गवर्नमेंट कर सकती है. आई एम वेरी क्लियर अबाउट द एजेंडा दैट दे कीप नेशनल सिक्योरिटी एट द फोर फ्रंट. हाँ, तो अगर वो बात है तो एनआरसी आई एम क्वाइट श्योर होएगा, रिफाइन करके होएगा एंड स्मूदली होएगा एट सम पॉइंट और अनदर इन दिस कंट्री. मगर दिस क्वेश्चन ऑफ ये लोग कहाँ जाएंगे, नंबर वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी. Exactly. ताकि ये अ लॉट ऑफ थिंग्स मेंट फॉर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री उसको एक्सेस ना कर पाए, वोट ना दे पाए, सिस्टम में बदलने में अपना हिस्सा ना बन पाए. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि आपको क्या ही पता किसी क्या ही परसेप्शन के साथ आए हैं, क्या ही एजेंडा के साथ आए हैं. Exactly. और इनका बैकग्राउंड क्या था. हाउ डू यू नो ये ट्रेंड आपके लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव्स नहीं है. Exactly. आए हैं पहले भी. हाउ डू यू नो दैट ISI operatives नहीं है या उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं. देखिए हमें ना ये वर्ड जो रेफ्यूजी है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम मास्क कर देते हैं. क्योंकि लोगों का यू नो दिल धड़कता है कि अगर कहो कि मैं रेफ्यूजी हूँ. हर आदमी रेफ्यूजी नहीं होता. और वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स जब हमारे यहाँ आए थे म्यांमार से, तो कोई तर्क ही नहीं था उनको एंट्री के पीछे. अब मैं बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा मेरा एक न्यू टॉपिक यू हैव ब्रॉट अप. ये जो आपने बोला है, ये आई थिंक आपने मेरा आर्टिकल इंडिया टुडे में जो निकला था आरसा के ऊपर, वो भी जरूर पढ़ा होएगा जी. ये पूरा रिसर्च करके आते हैं. वही आर्टिकल, एक्चुअली वो आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें आपने कुछ ग्रुप्स का भी मेंशन किया. दो आपने जो ऑपरेशंस लॉन्च हुए हैं उनका भी आपने मेंशन किया. तो इस पे आते हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहले मैं म्यांमार से स्टार्ट करना चाहूंगी. हाँ, क्योंकि म्यांमार के थ्रू ही इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है रोहिंग्यास का. म्यांमार में ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर टच अपॉन किया था कि इंस्टेबिलिटी है. टैटमाडोर जो मिलिट्री को बोलते हैं, टैटमाडोर इज द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट. दे टुक ओवर फ्रॉम, 3 साल पहले इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी वो जीती थी. मगर करप्शन के चार्जेस में और मतलब काफ़ी और गहरे यू नो इश्यूज के वजह से टैटमाडोर टुक कंट्रोल. तब से एक रेजिस्टेंस बन रहा है उनके तरफ. नाउ म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट तो हमारे लिए एक रीजन है. आप सोचिए म्यांमार पूरा एक देश है, बड़ा देश, विच इज़ वेरी मच लाइक दैट. इट्स अ मोज़ेक ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, एथनिसिटीज, यू नो, तो बहुत सारे एथनिसिटीज़ हैं. एंड क्योंकि काफ़ी डेकेड्स पोस्ट देयर ओन इंडिपेंडेंस काफ़ी क्लोज इकोनॉमी रही है, इतना इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं रहा है, तो कंपैरेटिवली इट्स वेरी पुअर. तो एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं. वो उनको लगता है कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट आती है, जो मिलिट्री है, उनका एथनिसिटी अलग है, ज़्यादातर बर्मन्स हैं, बर्मार्स. तो उनको लगता है कि वो हमारी इश्यूज नहीं समझती है, हमारी एथनिसिटी अलग है, हमारी एस्पिरेशन नहीं समझती, हमारा ख्याल नहीं रखती, हमें अलग समझ, यू नो, टिपिकल जो ग्रीवेंसेस होते हैं. तो इसके वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, EAOs. दे आर आर्म्ड, दे बिलोंग टू पर्टिकुलर एथनिसिटीज, एरियाज कंट्रोल करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से भी झगड़े होते हैं. बट 3 साल पहले जब ये पूरा रजीम चेंज हुआ था, तब से ये झगड़े बढ़ने चालू हुए. नाउ सेम टाइम पे डेमोक्रेटिक अलायंस जो है म्यांमार की, उन्हें ग्रुप बनाया NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट करके, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जैसे टिबेट का भी था गवर्नमेंट इन एग्जाइल. इनका छोटा ऑफिस है वॉशिंगटन DC के व्हाइट हाउस के बाजू में ही. हाँ, इंटरनेशनल कम्यूनिटी का इनका सपोर्ट है बिकॉज US, यूरोप ने कुल मिला के आई थिंक ओवर 30 राउंड्स ऑफ सैंक्शंस म्यांमार पे डाले हैं जब से टैटमाडोर ने चार्ज उठाया है. हाँ, और ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको काफ़ी उनसे सपोर्ट मिलता है. काफ़ी एथनिक ग्रुप्स इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं. तो अगेंस्ट द टैटमाडोर लास्ट ईयर 2 ऑपरेशन लॉन्च हुए थे और भी छोटे छोटे हुए थे,
But Operation 1027, 1027 is there because it was October 27th, was launched against the Tatmadaw. It included three ethnic armed organizations, Arakan, Tang, National Liberation Army, or MNDAA. These three big insurgent groups. They came together. ये brother alliance बोल रहे हैं. Three brotherhood alliance. तो वो तो नाम है इनका, मगर ये पहली बारी हुआ है कि अलग अलग ethnic groups एक साथ जुड़े हैं to take on the Tatmadaw. पहले क्या होता था, individual होते थे, which is actually quite difficult to manage क्योंकि हर आदमी का अपना लीडर है, हर ग्रुप का अपना एजेंडा है. गवर्नमेंट के लिए इजी है उनको काउंटर करना, टैकल देम, यू नो. मगर ये यूनिफाइड वे में, एंड इनने जैसे अटैक विद इन द सेकेंड डे जो सक्सेस इनको मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री आउटपोस्ट, यू नो, रोड्स, दे टुक इट ऑल ओवर. तो बहुत झटका मिला टैटमाडॉ को. एंड ये देखते हुए सेकेंड ऑपरेशन लॉन्च हुआ 1107, दैट इज 7th November लास्ट ईयर. And this was a bunch of other groups. वो भी unite होके they launched an operation. वो दूसरे side में थे. It's almost like Tatmadaw is in the middle and they're kind of being surrounded like that. तो हर जगह से, काफी analysts का कहना है कि only about 30-40%, if that is not on a higher level, that is the area that is under the control of the Tatmadaw. बस That's it. So government can control. Majority lose कर दिया है Myanmar. Lose कर दिया है. अब ये analyst का कहना, मैं कहूँ 30% भी नहीं है, मैं कहूँ 40% है. Still it's very little. Exactly. You know, and ये numbers actually कम हो सकते हैं. You know, हमने ये भी देखा था, sorry, you must have also read the news कि different times में अलग अलग military वाले इंडिया घुस गए. मिजोरम में 200 के करीब लोग घुसे थे, मिलिट्री, जानवरीज मिलिट्री. बांग्लादेश में भी घुसे हैं. दिस इज अ वेरी वेरी, अगर आप इसे थोड़ा डिटेल में देखें, दिस इज अ वेरी बैड साइन. क्योंकि ये हो सकता है कि टैटमाडॉ लूजिंग कंट्रोल, ये हमें समझ आ रहा है. ये भी हो सकता है दैट दिस इज अ साइन दैट द ईओज आर विनिंग द गेम. Number three, the worst, कि the army men themselves are losing hope. हाँ, ये भी हो सकता है. And that's why वो कह रहे हैं, कहीं भाग के कह रहे हैं, हमें refuge दे दो. Tatmadaw में जो second level generals हैं, there have been many who've been executed after these operations. अच्छा? Generals, because they've lost this territory, and क्योंकि कई लोगों को तो ये भी कहा, इसे एग्जीक्यूट किया है कहते हुए कि आपने जाने दिया. अच्छा? ये काफी डेंजरस सिचुएशन बन रहा है. अब एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हम जब नोटिस, बिकॉज हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे लिए म्यांमार भी समझना और बांग्लादेश भी समझना और चाइना भी समझना बहुत नेसेसरी है. तो जब हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली मेरे को लग रहा था, यार CNA भी दिखाई दे रहा है, आरका नामी भी दिखाई दे रहा है, इतने सारे करेनी एक और ग्रुप है वो भी दिखाई दे रहे, इतने सारे डिफरेंट ग्रुप्स दिखाई दे रहे. CNA इज चिन नेशनल आर्मी, ये इनका ट्रांस नेशनल एथनिक टाइज नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के साथ भी है. अच्छा? हाँ. और तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक. सी, ये मैं ऑलवेज कहती हूँ, हर टॉक पे मैं ये कहती हूँ, जो ब्रिटिश थे, दे वर टेरेबल कार्टोग्राफर्स. मैप उनको खींचना नहीं आता. उनने जहाँ बाउंड्री लगाई है वहाँ दिक्कत हुई है, चाहे वो ड्रांड लाइन हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री हो. मतलब सर रैटक्लिफ जो थे, ही वॉज अ लॉयर, तो उनके पास तो एक्सपर्टीज भी नहीं थी. इस एक मेरे को कह दो कि आप, यू नो, एक देश बना दो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड. एटलीस्ट हमारे में इतना बुरा नहीं था जितना अफ्रीका में. अफ्रीका में तो लगता है जैसे रूलर मारा है, स्ट्रेट लाइंस हैं. कोई भी एंशियंट कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी में ऐसा कभी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन रहेगा ही नहीं. हो नहीं सकता, ये कोई सिटी थोड़ी ना है. सो एनीवे, सो दैट्स व्हाई जब इनने ये बॉर्डर खींचा था बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, काफी ट्राइब्स उस साइड चले गए थे, काफी ट्राइब्स इस साइड आ गए थे. तो इनके ट्रांसनेशनल एथनिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, इसीलिए फ्री मूवमेंट चल रहा था क्या? हाँ, एग्जैक्टली. सो ये FMR जो है, फ्री मूवमेंट रिजीम, इसलिए लगाया गया था. शुरू में जब चालू हुआ था, एक्चुअली 40 किलोमीटर इनवर्ड्स था, फिर 16 किलोमीटर किया गया. एंड क्योंकि बहुत बार्टर सिस्टम होता था, ट्रेड होता था, इनवर्ड्स मतलब कि 16 किलोमीटर तक इनटू इंडिया, अब बिना किसी टेंशन के आके वापस जा सकते. हाँ,
मतलब वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है ना, आपके पास एक महीने का टाइम है टू रिटर्न एंड बस आईडी कार्ड होना चाहिए. हाँ, एंड ये रिलेशनशिप था. एंड क्योंकि पुराने समय से ट्राइबल कम्युनिटीज अपना भी सिस्टम्स रखती हैं, तो इट वाज अ वंडरफुल सिस्टम. यू नो, कहीं भी दुनिया में ऐसा सिस्टम आपने नहीं देखने को मिलता है. हाँ, कम ही देखा होगा. मगर पॉलिटिकल सिस्टम और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को देखते हुए चीज़ें बदलती हैं, आपकी पॉलिसीज भी बदलनी पड़ती हैं. Exactly. तो वो पॉलिसी भी बदली, उसमें मैं बाद में आती हूँ. मगर ये जो चिन नेशनल आर्मी वगैरह है, वी स्टार्टेड नोटिसिंग कि जो सिटीज़ हैं राइट अक्रॉस आर बॉर्डर, दे स्टार्टेड टेकिंग दोज सिटीज़ ओवर. काओलिन, खामपाट, ये सब एकदम हमारे बॉर्डर के आसपास है. जो मेन जो रोड है जो मोरे से निकलता है, टामू रोड, हाँ, जो म्यांमार के अंदर जाता है, जो हमारे लिए हमारा गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बनना चाह रहा था, दैट हैज ऑल्सो बिन टेकन. उस पर भी पूरा इनका कंट्रोल हो गया, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस का. बहुत बढ़िया. और जैसे हमने मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में देखा है, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि ये चीजें बढ़ती रहें, हम कनेक्शंस अक्रॉस द बॉर्डर बनाए, यू नो, वेस्टेड इंटरेस्ट है. वो सब देखते हुए दैट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. इट फील्स लाइक जैसे कोई ग्रैंडर डिजाइन है. एक, 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 क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे. ये जो हाईवे है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है. म्यांमार में सिचुएशन बिगड़ती है तो उसका इम्पेक्ट हमारे यहाँ पे होता है. अगर वहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ती है तो उसकी वजह से हो ही रहा है, जिस पे भी आप और डिटेल में बताएंगे. हम लोग मतलब भारत सरकार इंडियन आर्मी को क्यों नहीं भेजती हुंता की मदद के लिए? आप कभी भी किसी के इंटरनल मैटर्स में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हो. इट्स अ सॉवरेन कंट्री, वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट. हमारा कोई हक नहीं बनता है उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने का, जैसे किसी का हक नहीं बनता है हमारे इंटरनल अफेयर्स में मेडल करने का. जो भी है हम इंटरनली ही हम सॉर्ट आउट कर लेंगे. यहाँ मैंने मगर यूएस का स्टांस वो नहीं है. वो एग्जैक्टली उनका तो हर जगह इंटर करना है, उनको तो हर जगह घुसने के लिए बहाना चाहिए. अपने आप को लीडर्स ऑफ द फ्री वर्ल्ड बोलते हैं ना. बाइडन इज द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड. और उनकी दुनिया में, लेकिन उनकी दुनिया में कोई भी फ्री नहीं है. उनकी दुनिया में कोई फ्रीडम नहीं है. म्यांमार में भी उनने बड़े सैंक्शंस डाले हैं और वो एक्टिवली एनयूजी को सपोर्ट कर रही है. अभी हालांकि एनयूजी ने $500 million के लिए, $500 million के लिए मांग की है यूएस गवर्नमेंट से. तो ऑब्वियसली वहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे म्यांमार में वो इट्स समथिंग टू सी. मगर जब ये सब हो रहा था, इसलिए मैं बता रही थी, ये मैं बैकग्राउंड दे रही थी, क्योंकि हमने देखा कि हर इंसर्जेंट ग्रुप इन्वॉल्व है. हाँ, क्या ही करेंगे टैटमाडो को. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि अगर टैटमाडो भी नहीं रहा तो ये क्या एक कोहिसिव यूनिट अपने आप में ही बना पाएंगे? ये भी क्वेश्चन है. तो क्या ही करेंगे, आई डोंट नो. बट इसमें आरसा वॉज नॉट देयर. आरसा इज अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी. ये रोहिंग्याज का बना हुआ एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यांमार से ऑपरेट करता है. जो म्यांमार से ऑपरेट करता है. उसने अभी तक इनका हिस्सा नहीं बने. नहीं, वो गायब थे. इसलिए मैंने आर्टिकल लिखा, क्योंकि देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ये कहाँ है, इंसिडेंट क्यों नहीं हुआ है, इनने कुछ टेक ओवर नहीं किया है, ये किसी के साथ मिले हुए हैं, इनका एसोसिएशन किसी और ग्रुप के साथ है, कुछ बैक एंड में हेल्प कर रहे हैं, जो हो सकता है. क्योंकि अनलाइक अदर मिलिशिया ग्रुप्स इन म्यांमार, आरसा यूनिफॉर्म नहीं पहनती है. अच्छा, दूसरे ग्रुप्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो आपको देख के पता है. और उसमें एक हायरार्की होता है, जैसे मिलिट्री में हायरार्की होता है ना, उनमें एक हायरार्की होता है. इसमें थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, बिकॉज ना तो यूनिफॉर्म है, सिविलियंस है, सिविलियन ड्रेस में है, सो इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम. मैं जनरली आरसा का नाम नहीं उठाया. तो देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय रिसर्च एंड यू नो स्टार्टेड लुकिंग एट दिस एस्पेक्ट, तो मैंने आर्टिकल लिखने का सोचा. आरसा को हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या सिंपथाइजर्स भी हैं इंडिया में. मतलब क्यों हैं आई हैव नो आइडिया, मगर बड़े सारे हैं. और हमने देखा है कि मेनी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया हैव आस्क्ड द रोहिंग्या कम्युनिटीज टू लीव. एग्जैक्टली, इनको दुनिया भर में प्रॉब्लमैटिक माना जाता है, मगर इनके पास इंटरनेशनल सपोर्ट है. क्योंकि इंटरेस्ट ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर्स हैं, वो उनके इंटरेस्ट पूरे होते हैं इनकी मदद से. देयर लेंस इज नॉट अ क्लियर लेंस. अपने गिल्ट से भी सफर कर रहे हैं, जो कॉलोनियल गिल्ट है, यू नो, तो जो भी हमको लगता है ओप्रेस्ड है, यू नो, वी मस्ट फाइट फॉर देम. वाइट सुप्रीमेसी वाला गिल्ट भी. हाँ, वाइट सुप्रीमेसी वाला भी है कि हम ही बचाएंगे, वो खुद को नहीं बचा सकते हैं, यू नो. एंड एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कुछ भी कहे, साउथ ईस्ट एशिया को गोरा थोड़ी ना मानते हैं.
might not sound great, magar for them it is no brown, yellow, pink, black. It is white and black. No, and they'll treat everybody the same way. वो भी है. Plus geopolitical इनका investment है. अब US को म्यांमार में sanctions डालने की क्या जरूरत है? आप जितने sanctions डालोगे, इतने इनकी proximity China के साथ बढ़ेगी. Exactly. This is a very complex thing. अगर कोई मैं articles पढ़ेगा तो ज़्यादा detail में समझ आएगा. मगर यहाँ मैं AARSA के बारे में बात करना चाहूँगी कि इसे कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा. ये जो सिंपथी है ये मिसप्लेस सिंपथी है. द मिसप्लेस सिंपथी इज बिकॉज राखाइन स्टेट है. अभी रिसेंटली राखाइन स्टेट में जितने इंडियंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है प्लीज़ लीव इमीडिएटली. राइट, ये क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ स्थिति बिगड़ रही है. राइट, राखाइन स्टेट है, यहीं से ये ऑपरेट करते हैं. हाँ, राखाइन से. एंड राखाइन में पहले इसको अराकान बोला जाता था. हाँ, तो जो म्यांमारीज है उनका कहना है कि रोहिंग्या जो है दे आर नॉट इंडिजिनस टू म्यांमार. सो ये अपने आप को इंडिजिनस मानते हैं, म्यांमार की गवर्नमेंट नहीं मानती है. और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी थी, ये खाली टैटमडॉ का कहना नहीं है, मगर जब गवर्नमेंट थी इन्हें कहा ये बड़े प्रॉब्लमैटिक है, ये इंडिजिनस नहीं है, इनको बाहर निकाला गया था. इससे जाके ये बांग्लादेश में कॉक्सेस बाजार में सेटल हो गए थे और एक नो मैंस लैंड है वहाँ भी सेटल हो गए थे. इंडिया के साथ इनका एक पुराना कहानी है. मेरे को ये, मैंने अपने आर्टिकल में भी कोट किया है, मेरे को एक डॉक्यूमेंट मिला था जिसमें उस टाइम के जो फर्स्ट हेड थे ऑफ IB, उनने लिखा था सरदार पटेल जी के PA को, उनने लिखा था कहते हुए कि हमें रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिला है कि ये अराकान मुस्लिम, उस टाइम अराकान मुस्लिम्स कह रहे थे, ये प्रिपेयर करे जा रहे हैं ISI के थ्रू टू अटैक इंडिया वेन एवर नीड बी. हाँ, तो ये मिलिटराइज हो चुके थे. 2017 में खाओ मेनसेक करके एक मैसेकर हुआ था. कहाँ पे? म्यांमार में, राखीन में, जहाँ AARSA ने, वेल AARSA बोलो कि रोहिंग्याज बोलो, उनने ज्यादातर लोग रोहिंग्याज ही बोलेंगे क्योंकि AARSA का भी नाम बदला है बीच में लोगों ने. हाँ, तो ये ही होता है जब आप इंसर्जेंसीज और मिलिट्री ग्रुप्स, मिलिशियाज को फॉलो करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इनको पता है हाउ टू ब्रेक द नैरेटिव. नाम बदल देंगे, यू नो, अदर स्ट्रैटेजीज, टैक्टिक्स बदल देंगे. तो खामान से एक इसमें हिंदू विलेजेस थे जिसमें दे हैड अटैक्ड हिंदू विलेजेस. अच्छा. औरतें रेप हुई थी, ऑलमोस्ट 99 मास ग्रेव्स मिले थे जिसमें खाली औरत और बच्चे थे. दैट इज व्हाई इंडिया हैज टेकन अ वेरी स्ट्रांग स्टांस. इस देश के अंदर कुछ लोग इन्हीं रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, छाती, मतलब थोड़ा सा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, इतने बिल्कुल रो रहे हैं, तड़प रहे हैं देश में बसाने के लिए इनको. इमेजिन, ये सेम लोग हैं जो संदेशकाली में आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो हमास में जैसे औरतों को रेप किया गया है, म्यूटिलेट किया गया है, उसके ऊपर अपना आवाज नहीं उठाएंगे, मगर रोहिंग्यास के ऊपर उठाएंगे. Exactly. तो इसमें फेयरनेस, विमेन्स राइट, जेंडर इक्वालिटी, यू नो, नॉट यूजिंग विमेन एज पॉलिटिकल फॉडर, ये सब कहां गया? और लास्ट टाइम भी जब वो बोट में घूम रहे थे तो बोट के फोटो ही निकल के आया. हाँ, मतलब बोट के फोटो देख के लोग यही बोल रहे थे ना कि बेचारे. लेकिन वो बेचारे क्या करके आए थे उस पर कोई नहीं बात कर रहा था. तो मेरा एनालिसिस ये है दैट ये जियोपॉलिटिकली जो नैरेटिव बनता है, जिससे सिंपथी मिलती है, ये जान गए हैं. देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि AARSA का जो रिलेशनशिप है इंडिया से, वो कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है. क्योंकि AARSA के जो लीडर्स हैं, जो जुनूनी करके जो इनका मेन लीडर है, ही इज अ पाकिस्तानी. बहुत बढ़िया. ISI, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए, IB के रिपोर्ट्स आए हैं कि ISI इनको पाकिस्तान में ट्रेन कर रहा है. आपको याद है टुंडा, लश्कर ए तैयबा का जो एक्सपर्ट बॉम्ब मेकर पकड़ा गया था, उसने खुद कहा है कि वो रोहिंग्यास को ट्रेन कर रहे थे बॉम्ब मेकिंग में ओनली इफ दे यूज इट अगेंस्ट इंडिया. बहुत बढ़िया. 15 पेज का एफिडेविट गवर्नमेंट ने फाइल किया है, ये आई थिंक 2018 की बात होगी, विथ द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पॉन्स टू समथिंग एल्स, स्टेटिंग कि हमारे पास ये सब रिपोर्ट्स हैं.
that they are being trained to attack India. और इनको भारत की भारत में नागरिकता दिलवाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पहुंचे हैं. They are being hosted by a lot of other vested interests. UP मतलब पाए गए हैं सीधा यूपी जाते हुए. अच्छा. So, यूपी में ये जो हब्स हैं जो एंटी नेशनल मदरसाज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं. नहीं तो कैसे रह पाओगे आप. मेरे को याद है बॉम्बे में भी मैं एक बारी गई थी और मेरे को किसी ने कहा था कि ये जो रास्ते पे भी जो ये भीख मांगने वालों की जो ये कार्टेल होती है हाँ इसमें हम आजकल पूछ के बात करके देखते हैं ये बात कर सकते हैं कि नहीं इन हिंदी. Exactly. इससे हमें पता चलता है ये कहाँ के हैं यू नो. सो देखिए ये रिपोर्ट्स है. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि हमारे आईबी ने एफिडेविट फाइल किया है. हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हमारे ऑब्जर्वर्स ने एनालिस्ट ने सबको पता है इनके एंटीसीडेंट्स क्या है इनका बैकग्राउंड क्या है. हमें पता है राखाइन स्टेट में बेचारे यू नो पुअर वुमेन एंड चिल्ड्रन की लाशें पाई गई हैं रेप हुए हैं. हमको पता है ISI इनको सपोर्ट कर रहा है. हमें पता है अदर इस्लामिक कंट्रीज हैव थ्रोन देम आउट बिकॉज ऑफ देयर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इन देयर ओन कंट्रीज और एटलीस्ट द फैक्ट दैट दे फाइंड देम प्रॉब्लमैटिक. ये भी हमें पता है कि इनको म्यांमार गवर्नमेंट ने एक डील हुई थी जो नो मैन्स लैंड में बैठे हुए कहते थे ऑलमोस्ट 900,000 कि आप हमें बांग्लादेश ने कहा था आप इनको लेके जाओ. तो उन्होंने कहा ठीक है हम लेके जाते हैं. जब पूछा तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे. तो कहते हैं हमें 100% सिक्योरिटी अश्योरेंस दो कि हमें म्यांमार में कुछ नहीं होएगा. कोई किसी को ऐसा 100% सिक्योरिटी अश्योरेंस नहीं दे सकता है क्योंकि कल आपने ही जाके कुछ कर लिया तो रिएक्शन तो होएगा ही. ऑब्वियसली बात. कॉक्सेस बाजार या ये एरियाज में भी अगर आप जाके देखो जो ड्रग नेक्सस है जो कार्टेल्स चल रही है विद इन दी सो कॉल्ड रेफ्यूजीज ये क्या लेंथ तक मनी मेकिंग बिजनेसेस हैं. मतलब ऑलमोस्ट यही कारण है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये फ्री मूवमेंट पे रोक लगाई. Not because of the Rohingyas, मगर क्योंकि ये मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट में ये पाया गया कि काफी लोग जो आ रहे थे अंदर there was no way of tracking कि वो वापस जा रहे हैं कि नहीं. नंबर टू काफी लोग इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे. नंबर थ्री काफी लोग आर्म्स एमिनेशन सप्लाई करने में भी इन्वॉल्व थे या तो कॉन्फ्लिक्ट में ही इन्वॉल्व हो गए. नंबर फोर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था. सो ये भी कहना जरूरी है कि इट इज नॉट रिवोक्ड इट इज सस्पेंडेड. चीजें बेटर हो जाए फिर से वापस चालू हो सकता है. क्या ही इसमें दिक्कत है. क्यों नहीं इसमें आपके रिश्ते कहीं बिगड़ने वाले. ठीक है थोड़ी जितने आसानी से आप आते थे अक्रॉस द बॉर्डर उतनी आसानी से शायद नहीं होएगा मगर कोई भी देश में उतनी आसानी से तो आप जा ही नहीं सकते हो. ये आपका अधिकार थोड़ी ना ये तो सुविधा दे रखी थी. एग्जैक्टली ये सुविधा थी. एग्जैक्टली दिस इज नॉट योर राइट इट्स अ प्रिविलेज. एग्जैक्टली. सो यू नो मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने नॉर्थ ईस्ट से भी स्टेटमेंट सुने पॉलिटिकल ग्रुप से भी स्टेटमेंट सुने सेइंग दैट ये हमारे लिए बहुत गलत होएगा और ये हमें डिवाइड करने की कोशिश है. ये पॉलिटिकिंग है ना रैशनैलिटी को ऑफेंड करता है क्योंकि ये इतना स्टुपिड लॉजिक है. जब हमारा फेंसिंग हो जाए आ फेंसिंग इज गोइंग टू बी सपोर्टेड आई एम श्योर बाय फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी अदर AI टेक्नोलॉजी यू नो ताकि हम असर्टन कर सकें कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर आ रहा है लोग वापस जा रहे हैं कि नहीं कि ये प्रिविलेज को मिसयूज कर रहे हैं कि नहीं ये असर्टन कर पाए तो वापस चालू हो जाएगा. ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर चीज़ को पॉलिटिक्स के लेंस से देखना इज नॉट नेसेसरी. सिक्योरिटी की चीज़ों को हम सिक्योरिटी के लेंस से देखें यू नो नेशनल इंटेग्रिटी के इश्यूज को हम नेशनल इंटेग्रिटी के लेंस से देखें एंड दैट इज हाउ वी विल मेक अ सेफ कम्युनिटी फॉर आवरसेल्फ्स. आप एक हाथ में कह रहे हो कि हमें इलीगल इमिग्रेशन नहीं चाहिए दूसरे हाथ में कह रहे हो कि जहाँ से हो रहा है जो चीज़ मिसयूज हो रही है उसको बंद ना करिए फिर कहते हो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है. करे भी तो क्या करे. एग्जैक्टली क्या करे. एंड ऑन द कंट्री काफ़ी लोग ये सुन के कहेंगे नहीं नहीं कभी उनने कभी जो ये ट्रांसनेशनल एथनिक ट्राइब्स हैं जो हमारे जिनके साथ रिश्ते थे उन्हें कभी कुछ गड़बड़ नहीं की है इस साइड में. म्यांमार गवर्नमेंट ने पहले दो महीने जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था तभी नोटिफिकेशन निकाल दिया था वार्निंग इट्स सिटीजन डू नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटीज अगेंस्ट इंडिया दैट इज योर होस्ट कंट्री. दिस वॉज अगेंस्ट दीज ट्राइब्स विच वर कमिंग इन. ये तो जो ये जो नोटिफिकेशन निकला था ये इनके लिए था क्योंकि
दुनिया को बताया कि पॉपी कल्टिवेशन कर रहे हैं, ये इलीगल एक्टिविटी कैसे इंडल्ज कर सकते हैं किसी और देश में? एग्जैक्टली. और कोई और देश या उसकी पॉपुलेशन कैसे डिफेंड कर सकती है? ये आपका यू कैन नॉट डिफेंड द इनडिफेंसिबल कहते हैं ना. इस वजह से डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इनके कल्चरली इनके रिश्ते हैं, यू नो. सो दैट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग. एंड वो भी मैं आपको बोलूं, सब नहीं कर रहे हैं. जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो कर रहे हैं. बहुत सारे इन कम्युनिटीज में ऐसे लोग हैं, एंड हम तो मैथी और कुकी के नज़रिए से देखते हैं, दूसरे भी कम्युनिटीज रहते हैं, नागाज भी हैं वहाँ. यू नो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बहुत सारे लॉजिकल एजुकेटेड सिविलाइज लोग हैं जो कहते हैं नहीं, इट्स नॉट राइट. एग्जैक्टली. और यही मेरे हिसाब से पोजीशन होनी चाहिए हर. करेक्ट. मगर वेस्टेड इंटरेस्ट जब नैरेटिव टेक ओवर कर लेता है और जब वो हथियार उठा देता है, you know they have the ability to take the state at ransom. Magar main ye kehna chahungi that this is the wrong government to mess with. I am not a government spokesperson, but I have seen the way they have operated since 2014, how they've operated piche 15 saal mein kitna badlav hua hai. To ye bahut serious hai. Aap bully nahi kar sakte ho inko. Inka modus operandi is not to give a way to irrationality. Exactly. So and national integrity inke liye सबसे इम्पोर्टेंट है. तो आप नहीं कर पाओगे. जितना आप करोगे आप अपने आप को एलियनेट अपने ही लोगों से करोगे. एग्जैक्टली. रमी जी एक बात पूछनी है मुझे आपसे, क्योंकि अभी यहाँ पे रेप वाली बात आई तो एकदम मेरे माइंड में आया. जस्ट वैसे आपके नॉर्थ ईस्ट के एरिया में नहीं हुआ लेकिन भारत में ही हुआ है. अभी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुआ एक महिला के साथ में, आप महिला हैं इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वहाँ पे हुआ और जिस तरीके से वहाँ की पॉलिटिकल क्लास, वहाँ की मुख्यमंत्री, जो हमारे देश में लूटियंस मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, महिला जर्नलिस्ट, इन लोगों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, आप कैसे देखते हैं इसको? इट इज एब्सोल्युटली द मोस्ट रेप्रिहेंसिबल थिंग दैट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. मतलब शर्म से इन लोगों को है ना, दे शुड स्टॉप कॉलिंग themselves वुमेन. यू नो आई तो एक्सेप्ट यू नो दैट ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड मेन माइट नॉट बी एबल टू फील व्हाट अ वुमन फील्स, बट जो हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है. ये अब स्टेट सपोर्टेड है. देर इज इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट. देर इज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन इन लॉ एंड ऑर्डर. Exactly. In the state of West Bengal, we've seen it post-post-war violence भी जब हुआ था. And for a state जिसमें एक महिला रूल करती है, exactly. वहाँ ऐसा systematic rape होना, ये system की बात है, ये systematic rape है कि आपकी नई बहू आए उसको पहले इस आदमी के पास जाना पड़ा. जब मैंने सुना मेरा दिमाग, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा इस देश के अंदर साल 2024 में भी हो रहा है. और I could not watch the news क्योंकि इतना helpless feel होता है. जब ये मणिपुर conflict में भी हुआ था, जब दो औरतों को parade किया गया था कपड़ों के बिना, and उस time मैंने कहा था, जो भी national TV पे भी कहा था, लिखा भी था इसके बारे में कि any community, जब ऐसी बातें आती है ना, community, religion, political ideology, it's not about that. It's about the woman. कि जो भी कम्युनिटी है जिनने ये किया है वो जानते हैं, क्योंकि वीडियो पे था, वो लोग इनको परेड कर रहे थे. दे शुड हैंड ओवर दीज पीपल क्योंकि ये यू कैन नॉट इवन एक्सेप्ट देम एज योर कम्युनिटी मेंबर्स. ये नहीं है, ये जंगली है, ये जानवर है. सेम वे यू नो इन वेस्ट बंगाल अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है. ये वापस हो रहा है, ये सिस्टमैटिक है. एंड जो मेरे को सुनने में आया है ये खाली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं. जो आवाज़ उठाता है वो डर के रहता है क्योंकि उसको लगता है उसका अरेस्ट वारंट निकलेगा. सबसे बड़ी समस्या ये है, जो बोल रहा है उसे पकड़ा जा रहा है. सो मेरे लिए जो आपने कहा, ये जो लैटिन मीडिया है अपने आप को इतनी लिबरेटेड वुमेन समझती हैं, मॉडर्न वुमेन समझती हैं, मैं कल डिबेट सुन रही थी, मैं नाम नहीं लूँगी, मगर इनको हम रिकरिंग कल्प्रिट्स बोल सकते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स बोल सकते हैं.
ये सेम औरतें हैं जो राज्यसभा से खड़ी होंगी अंडा ममता, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होएगा. व्हाट दे आर सपोर्टिंग, व्हाट इज द काइंड ऑफ सिस्टम दैट दे आर सपोर्टिंग, या तो ये अपने आप को वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट बोलेंगी. हाँ, मगर जब ये बात आई तो कहेंगी कि ये ना पॉलिटिक्स बन चुका है, इसमें स्टेट में जो ऑपोजिशन है वो दैट ऑपोजिशन, मतलब माने हुए बीजेपी, इज गिविंग इट अ लॉट ऑफ हवा. अरे भाई, हाउ कैन यू से दिस? हवा, मेरे को तो लग रहा है हवा उतनी जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिल रही. नहीं मिल रही, exactly. मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखने वाली हूँ, आई होप ऑल योर ऑडियंस रीड्स इट, बिकॉज दिस शुड बी मेड इन टू अ नेशनल इशू. मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि एक आदमी अगर वहाँ पे नई शादी करके अपनी वाइफ को लेके आता है तो उसे अपनी वाइफ को इस सिस्टम के तहत उस दूसरे आदमी के पास भेजना पड़ता है. ये इस तरीके का सिस्टमेटिक रेप हो रहा है वहाँ पे, और इसे ये लुटियंस मीडिया जस्टिफाई कर रहा है. बॉडीज हैव बीन म्यूटिलेटेड. जिसने सम ऑफ द वुमेन, आई थिंक जिनने पहले कंप्लेन की थी, उनकी लाशें मिली है, म्यूटिलेटेड लाशें मिली है. किसी के मदर को मार दिया है रिवेंज में. दिस इज नो लॉन्गर अ रैंडम केस ऑफ क्राइम. यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. वैसे डिसअपॉइंट अब क्या ही हो ममता जी से, मगर उनने भी आके कहा कि ये पॉलिटिक्स है, आरएसएस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस दैट. नहीं, ये टाइम नहीं है ये सब बातें करने का. ये टाइम है ये कहने का कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग, ये मेरे नाक के नीचे हुआ है, आई गिव माई, आई टेंडर माई रेजिग्नेशन एज अ वुमन ऑफ इंटेग्रिटी. और रवि जी, ऑनेस्टली बोलूं, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सब अपनी जगह, ये तो कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है. और ये क्या आप क्या ही कितने ही लेवल की गुंडागर्दी को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो. एंड जैसे मैं कह रही हूँ, ऑन ग्राउंड लोग कह रहे हैं, ये आइसोलेटेड एरिया नहीं है, ऐसे बहुत जगहों में हो रहा है. बहुत जगह, यू नो, ये तो इनमें हिम्मत आई क्योंकि वो ईडी का केसेस आदमी पे लगा. तो ये इनमें हिम्मत आई कि खड़े हुए और इनको कहीं से सपोर्ट मिला होगा खड़े होने को. एंड कंप्लीटली होपलेस हो गए होंगे इसलिए खड़े हुए, क्योंकि ये तो मतलब दिस इज लाइक लिविंग अ डेड लाइफ, यू नो. मगर जो भी इसको जस्टिफाई कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस को डिमिनिश कर सकता है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इज अ पर्सन ऑफ नो इंटेग्रिटी. ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं तो सरप्राइज्ड हूँ ये हेडलाइंस कैसे नहीं है. आपने देखा होगा जब से ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, यस, न्यूज़ में दिखाया गया है, मगर ऐसे नहीं दिखाया गया. किस तरीके का मेंटल टॉर्चर हुआ होगा इनकी फैमिलीज, खुद को, द वुमेन, व्हाट मस्ट दे हैव गॉन थ्रू. मतलब ये इन, यू नो, ये साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है, फिजिकल इम्पैक्ट से ज्यादा गहरा होता है, बहुत गहरा होता है. सो एज अ वुमन, माई हार्ट गोज आउट टू देम, एंड आई वुड लाइक टू काउंटर एवरी लाटियंस, नॉन लाटियंस वुमन हु हैज द अपॉर्चुनिटी एंड द प्रिविलेज कि अपने सेफ्टी में टू कम एंड से दिस ऑन नेशनल टेलीविजन कि अरे ये पॉलिटिक्स है, या यू नो, ये इस चीज को हवा दी जा रही है. आई वुड लाइक टू काउंटर ईच वन ऑफ देम. बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्म. वी शुड हैंग आवर हेड्स इन शेम. वेस्ट बंगाल, वेयर आर दुर्गा पूजा इज द सेंट्रल फोर्स ऑफ कल्चर. वहां पे महिला के साथ में ये हो रहा है और दूसरी महिलाएं आवाज उठाने के बजाय, आप छोड़िए चीफ मिनिस्टर, आप छोड़िए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि एमपी इज नुसरत जहान, वैलेंटाइन डे मना रही थी वहां पे, और फिर मनाओ, मेरे को उसमें आपत्ति नहीं, कुछ आपत्ति नहीं. आप पोस्ट कर रहे हो, मगर इतना आप सेंसिटिव लेवल आपका इतना खराब है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ हो गया है और आप. अब कायम हुआ मोहित्रा? हाँ, वो तो उनका तो जबान बंद ही नहीं होता है. हाँ? वो तो बोलना ही नहीं बंद करती, कमेंट करना ही नहीं बंद करती. वेयर इज शी नाउ? एग्जैक्टली, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द पार्टी इज टेकिंग? मगर यू नो, जो पार्टी जो वुमेन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है इन द फोरफ्रंट, जिनकी चीफ मिनिस्टर एक वुमन है, यू नो, जिनके काफ़ी सारे सीनियर मेंबर्स वुमेन हैं, उनके अंडर ऐसा हो, दे शुड टेंडर द रेजिग्नेशन एज फार एज आई एम कंसर्न. इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली नहीं करेंगे, मेरे को पता है नहीं करेंगे, मगर ये नहीं चल सकता है. एंड आई होप इस इलेक्शन में चाहे कुछ भी हो, they are taught a lesson. जिसको भी आप वोट करो, this cannot continue. रमी जी, काफी अच्छा लगा आपके साथ में बातचीत करके.
बहुत कुछ जानने को मिलता है हर बार आपसे बात करके, और आप आए, अपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग इतना लंबा कॉन्वर्सेशन, बिकॉज खाली जब हम इन डेप्थ में बात कर सकते हैं हम समझ सकते हैं चीज़ें ज़्यादा गहराई में। एंड थैंक यू टू योर ऑडियंस जिनने जैसे क्वेश्चंस उनने पूछे हैं, इट्स गिवन मी समथिंग टू थिंक अबाउट ऑल्सो, सो थैंक यू वेरी मच। बस अब आते रहिएगा आप फॉर श्योर, ऑडियंस को आदत हो गई आपकी फॉर श्योर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।